स्टार्ट करते हैं। बट आज ना हमारा जो टॉपिक है, नजर आ रही है स्क्रीन, नजर आ रही है आप सब, ऑपरेशन प्रोडक्शन जी मैनेजमेंट का हमारा लेक्चर नंबर 7 है, क्वालिटी मैनेजिंग क्वालिटी। अब क्वालिटी क्या है जी, इसके ऊपर बेटा जी मैं, अगर ये सिर्फ उसे स्लाइड्स आगे ना भी जाए तो मैं घंटों इसके ऊपर बात कर सकता हूँ कि क्वालिटी क्या है। और बेटा बात करने की बात नहीं है कि कितना बड़ा सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी है, बिजनेस स्केल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बड़ा ये सेगमेंट है। अगर इसके ऊपर हम पूरे 2-3 लेक्चर ही बात करते रहे ना तो वो भी कवर नहीं हो पाएगी। तो क्वालिटी बहुत बड़ी चीज़ है जी। अब जो कस्टमर को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करने वाली चीज होती है बेसिकली वो क्वालिटी ही होती है। और आजकल के दौर में जहाँ पे लोग बहुत सारे ब्रांड कॉन्शियस है, यहाँ पे तो क्वालिटी का बहुत ही ज्यादा असर सुख रहता है। ठीक है जी। अब क्वालिटी किस तरह की होनी चाहिए चीज के अंदर, तो हमें अपनी मर्जी से क्वालिटी डिसाइड करने का भी कोई हक नहीं। हमें कस्टमर ओरिएंटेड क्वालिटी बनानी चाहिए। कस्टमर को चाहिए क्या? अब कस्टमर की जो नीड है, कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है, और जो कस्टमर की बेटा कस्टमाइजेशन है, अगर हमारी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वो पूरी कर पा रही हैं तो इसका मतलब है हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज बेटा क्वालिटीएबल है। ठीक है, हम क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं, इसका मतलब है। तो क्वालिटी की एग्जाम्पल्स इतनी सारी है मार्केट में, जिसको बेटा मेंटेन करते हुए बहुत सारी कंपनीज ऊपर गई हैं और बहुत सारी कंपनीज बेटा नीचे की तरफ गई हैं। जैसा कि मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करूं, मैं पिछली क्लास में ये बात शेयर कर रहा था कि आईफोन सैमसंग एंड नोकिया 2000 से लेकर 2010 के इरा में, अब देख लें आप, नोकिया बेटा एक बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी इकोनॉमी के तौर पर सामने था कि एक कंट्री जो के हंगरी, उसकी पूरी की पूरी इकोनॉमी नोकिया की बेटा एक्सपोर्ट के ऊपर, नोकिया की प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करती थी। अब देख लें नोकिया की तरह, उस वक्त नोकिया ने क्वालिटी को इतना बेहतर मेंटेन किया हुआ था बेटा कि वो दुनिया में सबसे आगे गुजर गया। 2000 से लेकर 2010 के इरा तक नोकिया ने मार्केट शेयर अपने हाथ में रखा था 90% तक। अब उसी दौर में 2010 के इरा में, इस डेकेड्स के अंदर पलपने शुरू हो गए थे आईफोन वाले, आईफोन भी साथ साथ आया वैसे, सैमसंग एंड अदर एंड्रॉइड डिवाइसेस। और मैंने ये बात पहले भी शायद आप शेयर किए, दोबारा करता हूँ कि बिल गेट्स ने एक नारा मारा था कि मैम जो कंप्यूटर है बच्चे बच्चे के हाथ में थमाऊंगा। अब कंप्यूटर बिल गेट्स का बच्चे बच्चे के रूम में जरूर आया, बच्चे बच्चे के हर एक पर्सनल इंडिविजुअल के घर में जरूर आया, ऑफिस में जरूर आया, उसकी गाड़ी में जरूर आया, लेकिन उसके हाथ में नहीं आया कंप्यूटर, बेसिकली कंप्यूटर जिसकी बात उसने की थी। अब इस नारे को पूरा, वो थोड़ा पीछे रुक गया, इस नारे को पूरा किया आगे एंड्रॉयड ने। एंड्रॉयड ने बेटा जी ऐसी एप्लीकेशन मुतारफ करवा दी मोबाइल को यूज करने के लिए जो कस्टमर ओरिएंटेड थी, क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, और वो आसान भी थी। क्वालिटी हमेशा आसान होती है, याद रखें, क्वालिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होती बेटा। अब आप देख लें, कोई चीज जितनी कॉम्प्लेक्स होती जाएगी उतनी ही क्वालिटी से दूर होती जाएगी। अब इंडियन एयरक्राफ्ट की बात करें, इसकी एग्जाम्पल के अंदर एग्जाम्पल आ गई, इंडियन एयरक्राफ्ट इतने ज्यादा बेटा कॉम्प्लेक्स होते हैं, इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं कि उनकी जो एयरफोर्स के जो बेटा उनके स्क्वाड्रन लीडर्स होते हैं उनको समझ नहीं आती उसकी, और वो खुद से ही वो उसे हाईजैक या कोई प्लान क्रैश कर बैठते हैं, और वो दुनिया की नजर में देखने में बहुत अच्छे प्लेन होते हैं उनके पास। अब पाकिस्तान, अब 26 फरवरी का वाकया, गालबन 26 या 27 फरवरी का वाकया था 2019-20 में, तो देखें पाकिस्तान के हसन सदीकी साहब थे जो के स्क्वाडर लीडर थे हमारी इस तरफ से, इनके पास JF-16 था और उस तरफ उनके पास MiG-21 था जो के फ्रांस बेस्ड था। तो देख लें क्या मामला, तो कॉम्प्लेक्सिटी बेटा क्वालिटी को मैटर नहीं, मैयर नहीं करती, हमेशा फॉर द ईज, कस्टमर की ईज ही कॉम्प्लेक्सिटी क्वालिटी को मैयर करती है। और एंड्रॉयड ने इतनी आसानी फराहम की है, इतनी आसानी, अभी तक ये कॉन्सेप्ट है जिस बच्चे की या जिसकी लैपटॉप की विंडो उड़ जाए वो दुकान पे जाता करवाना, ठीक है, उसने कोई सॉफ्टवेयर करवाना दुकान पर तो थोड़ा मुश्किल। विंडोज बेसिकली बिल गेट्स का है, ये जितने विंडोज सॉफ्टवेयर है। एंड्रॉयड कभी किसी ने बाहर से जाके बेटा कोई ऐप करवाया हो तो भी घर बैठ के बेटा प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते, तो आसान है एंड्रॉयड ने आसान एप्लीकेशन दी। तो जब ये एंड्रॉयड आया तो बेटा नोकिया शोकिया सब पीछे रह गए। अब याद रखिए, उन्होंने क्वालिटी को मेंटेन जरूर रखा नोकिया वाले, बाकी सब कंपनीज ने, लेकिन
क्वालिटी वक्त के हिसाब से चेंज होती है, क्योंकि ह्यूमन इंस्टिंक्ट चेंज होती है, ह्यूमन नीड्स चेंज होती है, ह्यूमन इंसान की जैसे जरूरतें चेंज होती है तो पुरानी जरूरतें उसकी ऑब्सोलेट होती जाती है। तो इंसान की नीड्स के मुताबिक, इंसान की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, इंसान की कस्टमाइजेशन के मुताबिक, कस्टमर्स बेसिकली कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जो चीज वक्त के साथ अपडेट रहती है बेटा, वो होती है क्वालिटीएबल। ठीक है जी, वो क्वालिटी के मयार को पूरा करती है। अब नोकिया पीछे नहीं रहा, 2010 से लेकर 2020 के इरा में आ गया। नोकिया किधर है? कोई परचेज करना चाहता है नोकिया का मोबाइल? हर कोई स्टैंडर्ड कॉन्शियस है और क्वालिटी कॉन्शियस है। सबसे पहले लोगों की प्रायोरिटी होती है आईफोन, फिर सैमसंग, फिर बेटा चाइना मार्केट बड़ी इन हो चुकी है, हुआवे, वीवो, ओप्पो और शाओमी भी मार्केट में आ गया। आने वाले दिनों में हो सकता है सैमसंग भी नजर में आए, शाओमी के बहुत सारे ब्रांड्स आने वाले हैं मोबाइल फोन के अंदर। बहुत ये दुनिया कहती भी है ये ओप्पो, वीवो और हुआवे शाओमी नहीं है जो अलीबाबा.com का मान है। अब बेटा ये चीजें हैं क्वालिटी, क्वालिटी की समझ आई थोड़ी बहुत आपको? लेट मी, स्टूडेंट्स कितने आ गए? अच्छा जी ठीक है, क्वालिटी की थोड़ी बहुत आइडिया होगा बेटा। क्वालिटी क्या होती है? क्वालिटी के बारे में आप लोग बहुत सारे जानते भी हैं कि जी कोई चीज अच्छी पायदार हो क्वालिटी होती है, पायदार और अच्छी नहीं मुनासिब नहीं है। क्वालिटी चीज के अंदर, गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर ह्यूमन नीड्स को पूरा करना क्वालिटी होती है। अब हमारा ये मैनेजिंग क्वालिटी एक टॉपिक है आपकी बुक के अंदर, तो उसका हम चैप्टर नंबर 10 है वो पढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं जो मैंने स्लाइड्स आपके सामने पेश की है बेटा जी, देखिएगा। मैंने कहा व्हाट इज क्वालिटी? व्हेन द एक्सप्रेशन ऑफ क्वालिटी इज यूज्ड, क्वालिटी का जब लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वो यूजुअली थिंग्स इन टर्म्स ऑफ एन एक्सीलेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट फुलफिल द और एक्सीड अवर एक्सपेक्टेशन। कह रहा है कि हम उस चीज, जब क्वालिटी की बात करते हो तो हमारे जेहन में उन चीजों का जेहन में आता है, एक्सीलेंट प्रोडक्ट का जेहन में आता है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन को पूरा भी करे और उससे ज्यादा भी वर्किंग दे हमें। ठीक है, दीज एक्सपेक्टेशंस आर बेस्ड ऑन द इंटेंडेड यूज एंड द सेलिंग प्राइस। और वो एक्सपेक्टेशन वो होती है जो हमने उस चीज से हासिल करनी होती है यूज करके और हमारी सेलिंग प्राइस पे होती है। अब ये थोड़ी हो सकता है कि चले जी एंड्रॉइड का मोबाइल फोन चलाना तो आसान है, जैसे कि सैमसंग की बात कर लें और वो 2-3 करोड़ का हो, अब प्राइस को भी देखना बड़ा मैटर करता है, सेलिंग प्राइस को मेन माइंड रखना। एग्जाम्पल है जी, कस्टमर एक्सपेक्ट अ डिफरेंट परफॉर्मेंस फ्रॉम आईफोन एप्पल देन फ्रॉम एनी अदर कंपनी। दूसरी किसी कंपनी से हटके आईफोन से हर कस्टमर अच्छी एक्सपेक्टेशन चाहता है, बिकॉज दे आर डिफरेंट ग्रेड्स, क्योंकि ये बेटा अलग अलग कंपनी का ग्रेड्स भी अलग है। मैंने प्रोडक्ट सरफासिस एक प्रोडक्ट के अंदर मौजूद हो और एक्सपेक्टेशन उसमें हमारी एक्सपेक्टेशन को पूरा करने की क्वालिटीज मौजूद हों, वी कंसिडर दैट क्वालिटी, हम उसे क्वालिटी कहते हैं। दस इट इज समवट इफ ऑफ एन इनटेंजिबल बेस्ड ऑन द परसेप्शन। और ये बेटा जी कह रहा है कि कोई इनटेंजिबल ह्यूमन मेंटल अप्रोच की बात है। सो क्वालिटी कैन बी डिफाइंड इन क्वान्टिफाइड फॉर्म एज क्वालिटी इज इक्वल टू पीई। अब पी क्वालिटी का, क्यू का मतलब क्वालिटी, पी का मतलब परफॉर्मेंस बटा एक्सपेक्टेशन, वेयर क्यू इज इक्वल टू क्वालिटी, पी है परफॉर्मेंस और एक्सपेक्टेशन। अब देखो बेटा ये इतना कमाल का फॉर्मूला है क्वालिटी को मेजर करने का, बटे में ई है, ई का मतलब एक्सपेक्टेशन, हम कितना एक्सपेक्ट करते हैं और उसकी परफॉर्मेंस क्या उस एक्सपेक्टेशन के करीब तरीन, कितनी करीब तरीन है और कितने परसेंट है, ये हमने दोनों के दरमियान कोफिशिएंट और वेरियंस निकालना है, कोरिलेशन रिलेशन निकालना है कि हमारी एक्सपेक्टेशन फर्ज करो 100 थी, 100% थी, कोई 100 इसको क्वांटिफाइड फॉर्मूले में हमें लिखे थे कि एक चीज से हमें एक्सपेक्टेशन है 100% काम करेगी और उसकी परफॉर्मेंस अगर 90% है तो हम कहेंगे कि ये हमारी एक्सपेक्टेशन पे 10% पूरा नहीं उतरा, और अगर कोई 100 है तो वो 110 पे जा रहा है, तो ये एक्सीड वाली बात भी आ सकती है। तो ये होती है क्वालिटी, किसी भी चीज में कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को पूरा करने या उससे ज्यादा उसको बेनिफिट देने की वजूहत। अब जितनी बेटा जी कंपनीज आजकल दुनिया में काम कर रही हैं वो क्वालिटी के ऊपर ही काम कर रही हैं। पाकिस्तान में अगर ये चीजें नहीं है तो बड़े शेमफुल बात है, लेकिन दुनिया में ये बड़ी हाई लेवल पे चीजें क्वालिटी। अब क्वालिटी तो समझ आ गई क्या है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं उसके बाद इसकी इन्वेंशन में बात करूंगा क्या होती क्वालिटी। एग्जाम्पल है जी, द डिग्री टू विच डिग्री टू विच अ सेट ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल रिक्वायरमेंट। कह रहा है किसी चीज के इनहेरेंट बोलते हैं, किसी चीज के अंदरूनी जो उसकी खसूसियात है वो हमारी रिक्वायरमेंट को कितना पूरा करते हैं वो क्वालिटी होती है। अब कितना पूरा करने वाला फार्मूला भी हमने पढ़ा है, ये नीचे भी लिखा हुआ क्वांटिफाइड फॉर्म, क्वालिटी इज इक्वल टू परफॉर्मेंस बटा एक्सपेक्टेशन। क्वालिटी इज द अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग इन द कस्टमर फॉर म्यूचुअल अकॉम्प्लिशमेंट। ये भी मैंने देखो सारी फॉर्म डेफिनेशन है।
अब ये वाली पहली वाली डेफिनेशन जो है ना बेटा, ये आईएसओ 9000 ने लिखी हुई है। अब आईएसओ क्या होते हैं? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो कि क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं। कोई भी कंपनी जिसने इंटरनेशनली एक दूसरे को इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करनी है, उसने इस आईएसओ 9000 के अंदर लिखे हुए क्वालिटी मैयर्स को पूरा करना है, तो फिर वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकती है। और इसी आईएसओ 9000 को बहुत सारे कंट्रीज अपने मुल्क के अंदर लॉन्च करते हैं, जैसे कि फूड अथॉरिटी वाले पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर इसको फॉलो कर रहे हैं, पंजाब फूड अथॉरिटी वाले। ठीक है, तो ये होता है क्वालिटी को मेंटेन करना। अक्सर पंजाब फूड अथॉरिटी वालों में ये एक इसका एक स्केड्यूल होता है, वो आम को जारी करता है, वो फॉलो नहीं करते तो वो इसके ऊपर छापा मारते हैं। देना बेटा जी, मैंने अगली डेफिनेशन लिखी है, ये मैंने अपने से लिखी हुई है। पहली वाली जो आईएसओ 9000 की है, ये दो डेफिनेशन मैंने खुद से जनरेट की है क्वालिटी की। क्वालिटी इज द अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग इन द कस्टमर फॉर म्यूचुअल अकॉम्प्लिशमेंट। क्वालिटी एक ऐसी चीज है जो खींचने वाली ताकत है, जो कि ग्राहकों को आप तक खुद ही खींच के लेके आती है। इसी डेफिनेशन से जुड़ती अगली डेफिनेशन बाद में बयान करता हूँ। फॉर म्यूचुअल अकॉम्प्लिशमेंट का मतलब क्या है? ग्राहक का अकॉम्प्लिशमेंट, ग्राहक का गोल होता है उसको क्वालिटी की चीज मिले, उसे मिल जाती है अगर आप क्वालिटी मेंटेन करते हो। और आपका गोल क्या होता है? आपको पैसा मिले, आपको मिल जाता है। तो म्यूचुअल कॉम्प्लीमेंट से मुराद ये कि अगर आप क्वालिटी को मेंटेन करते हो तो ग्राहक की भी आप जरूरत पूरी कर रहे हो और अपनी आपकी जरूरत जो पैसा वो पूरी हो रही है। अगर डेफिनेशन है, क्वालिटी इज द बेस्ट टूल फॉर रिड्यूसिंग मार्केटिंग कॉस्ट। वाह बेटा, इसके ऊपर मैं एक छोटी सी मार्केटिंग कॉस्ट पहले लफ्जी मतलब समझ लें। क्वालिटी एक ऐसा तरीका है जिससे हम मार्केटिंग कॉस्ट को कम कर सकते हैं। मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग कॉस्ट होती है किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विस को हम जनरेट कर लेते हैं ना, उसको कस्टमर तक पहुंचाने के लिए हमें इश्तेहार, कमर्शियल, वो अगर बड़े बेटा बैनर लगवाने पड़ते हैं और वो एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है। इसी एग्जाम्पल सुनिएगा, लेस कितने का आता? 10 रुपए का आता ना लेस का पैकेट। अब लेस का एक पैकेट 10 रुपए का है, और लेस के एक 10 रुपए वाले पैकेट की मशहूरी और इसकी कमर्शियल कौन देता है? लोनियल मेसी और वसीम अकरम। बेटा 10 रुपए वाली चीज की कमर्शियल करोड़ों रुपया लेने वाले दो पर्सनैलिटी कर रही है। वसीम अकरम क्रिकेट का बादशाह, लोनियल मेसी फुटबॉल का बादशाह है, और पेरिस के अंदर इसका कमर्शियल बनता है। तो क्या आप समझते हो इसके ऊपर खर्चा नहीं होगा? बिलियंस रुपीज तो उधर ही लग गए सिर्फ एक मशहूरी बनाने के लिए। किस चीज की? जो 10 रुपए की चीज है बिकनी है मार्केट में। इसे बोलते हैं सेलेब्रिटी एंडोर्समेंट इन द मार्केटिंग इफेक्ट। सेलेब्रिटी को एंडोर्स कर दो, जितने भी सेलेब्रिटीज के बेटा जी वो होते हैं ना फैन फॉलोइंग, वो सारी आपके प्रोडक्ट को परचेज करने लग पड़ती है। तो अब अगर आपने क्वालिटी इतनी बेहतर बनाई हुई है कि आपकी चीज है ही इतनी, एक मिनट में ग्राहक परचेज कर गया, तो उसको दोबारा आपको मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं है, आपको मार्केट में उसकी पब्लिकेशन करने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद ही लोग खरीदेंगे। अब होंडा और टोयोटा की कंपनियां गाड़ियां बनाती हैं, क्या किसी कभी होंडा और टोयोटा की आपने टीवी में कमर्शियल देखी? वो क्वालिटी को खुद ब खुद ही मेंटेन करते हैं, ग्राहक इंतजार करता है कब इनका नया मॉडल होना, ग्राहक खुद ब खुद ही परचेज करने चला जाता है, वरना इनकी मार्केटिंग करनी पड़ जाए तो करोड़ों रुपए की मार्केटिंग करनी पड़े। तो बेटा जी, क्वालिटी को इतना बेहतर कर लो कि आपकी मार्केटिंग कॉस्ट ही ना आए, और मार्केटिंग के लिए बकायदा एक पूरा सेगमेंट है कंपनी का, कंपनी के डिपार्टमेंट्स में से एक कंपनी का डिपार्टमेंट है मार्केटिंग, और उसके अंदर लाखों कहने लगा था लाखों की सैलरीज लेने वाले लोग हैं, और उनकी कॉस्ट बच जाती है आपको। ठीक है, उसके बाद क्वांटिफाइड फॉर्म है, ये पहले पढ़ लिया है। इन्वेंशन ऑफ क्वालिटी। अब क्वालिटी हमारे पास कैसे आई बेटा? अब देखो ना, हम जब भी किसी चीज के ऊपर बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात जरूर आनी चाहिए कि ये हम क्यों कर रहे हैं, व्हाई। हमेशा लाइफ में जो बंदा व्हाई, क्यों का जवाब ढूंढने लगता है ना बेटा, वो बात साइंटिस्ट बनकर निकलता है। यहाँ तक बेटा मेरी बात भी समझ आ रही है ना? मैं आगे एक एग्जांपल देने वाला हूँ, उससे पहले मैं आप बच्चों की ना इंटेंशन चाहूंगा। जी जी सर, समझ आ रही है। निका बाबर फ्रॉम फ्री हाउस जाहिर, सबीन खान जी सर, मोहम्मद अब्दुल चौधरी, अब्दुल्ला चौधरी जी सर, आ रही है समझ? रही है। जी जी, शाबाश, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक बेटा। अच्छा देखिए, अब हमने इतनी बातें कर ली क्वालिटी के ऊपर, ये भी तो पता होना चाहिए ना बेटा क्वालिटी हमारे सामने कैसे। इन्वेंशन की बात करो, क्यों, व्हाई, व्हाई वी स्टडी क्वालिटी, व्हाई वी स्टडी बीबीए। हमने कभी इन चीजों का गौर ही नहीं किया। हाँ, आपसे पूछ ले जाए बीबीए कर रहे हो आप, कहोगे सर अच्छी जॉब और अच्छा पैसा कमाने के लिए, तो दिस इज योर गोल ओनली। और मेरा नहीं ख्याल किसी का और किसी कोई और मकसद भी हो सकता है। हाँ, अब मेरे कहने के बाद भी अपना मकसद फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट बोलना चाहे तो वो बोल लेगा। तो अब बेटा देखिए, जी सर जरूर,
हमने अभी कल ही वेब स्टडी बिजनेस की असाइनमेंट जमा करवाई है। ठीक है जी, ठीक है, बिजनेस करने के लिए, शाबाश। अच्छा जी, मैं अभी आपको असाइनमेंट दूंगा एक टॉपिक के ऊपर। अच्छा सुनिएगा बेटा, एक बंदा एक दरख्त के नीचे लेटा हुआ, ठीक है, वो दरख्त के नीचे, एक मिनट बेटा जी मैं सर से बात करूं। ओफो, स्पीक साहब फ्री हो गए? बेटा जी एक बंदा, मैं बात कर रहा था, लेटा हुआ दरख्त के नीचे, ठीक है, सेब का दरख्त था, सेब ऊपर से टूटा और उसके ऊपर आके गिरा। मेरे जैसा आप जैसा होता, हम क्या करते हैं, सेब पकड़ते, जर्सी से साफ करते और कहते बिस्मिल्लाह, अल्लाह ने सेब दिया है, हम खा लेते। लेकिन उस बंदे ने इस बात के ऊपर सोचा है, व्हाई, कि ये ऊपर से टूटा नीचे क्यों आया, ये ऊपर से टूट के कहीं और क्यों नहीं गया। उसने व्हाई का आंसर ढूंढना शुरू कर दिया कि वाए। अब बेटा उसने ढूंढते ढूंढते बाद में उसने दुनिया को ग्रेविटी दी, ग्रेविटी लॉन्च की, इन्वेंशन ऑफ ग्रेविटी। और वो बंदा कौन था बताएं जी? वो न्यूटन था बेटे। न्यूटन था, हाँ जी न्यूटन। अब हम क्या करते हैं, हमने बेटा पता नहीं हम कर क्यों रहे हैं, हम कर क्यों रहे हैं, हमें ये नहीं पता। हमने कभी भी कभी वाई का, क्यों का जवाब ही ढूंढा कि हम कर क्यों रहे हैं, ये क्यों। अब क्वालिटी हमारे सामने क्यों आ गई है जी? अब क्वालिटी एक इंसिडेंटली तौर, बहुत सारी दुनिया में इन्वेंशन जो इंसिडेंटल तौर पे हुई है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, नीचे में लिखा होता है कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी इज इंट्रोड्यूस एनी ओफो इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये बेटा इसको काट दें, एनी चैनलाइज्ड, ये किसी और जगह का यहाँ पे आ गया हुआ है, मैंने इसको By the quality gurus. अब quality gurus ने इसको introduce करवाया। गुरु का नाम हमारे सामने, आपके सामने भी आ गया, inventors मैंने लिख दी slide। गुरु का नाम famous हो चुका है हमारी ये उर्दू और पंजाबी ज़बान में बड़ा लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है। गुरु का मतलब होता है कि वो बंदा जो एक फील्ड का बड़ा मास्टर हो, उसे गुरु बोलते हैं। और इसको आपकी बुक ने, ऑपरेशन मैनेजमेंट ने बेटा क्वालिटी गुरु के नाम से नाम दिया, कि वो लोग जिन्होंने क्वालिटी को आपके सामने इंट्रोड्यूस करवाया। अब क्वालिटी बेटा कैसे इंट्रोड्यूस हुई है, वर्ल्ड वॉर टू लगी हुई थी 1918 से लेकर 1940 तक, 1920 के राउंड अबाउट बेटा देखें, जब जैपनीज उस वक्त के इतने हाइप के ऊपर पहुंचे हुए थे कि वो किसी भी नेशन को कुछ समझते नहीं थे। आपने मूवीज देखी हुई है, चाइनीज को तो वो चारे कुछ समझते ही कोई नहीं थे ना। और जापानीज की जंग थी बेटा उस वक्त के दौर के फ्रांस के साथ और ये आपकी बर्तानिया के साथ, और इसी दौर में जापान के भी बहुत सारे नुकसान हुए, और बाद में चलती चलती वो जंग आपको पता है सल्तनत उस्मानिया के ऊपर भी आई, सल्तनत उस्मानिया के भी टुकड़े किए गए थे। अब जापानीज की लड़ाई चल रही थी बेटा ये जर्मन के साथ और फ्रांस इन लोगों के साथ, यूरोपियन के साथ। उसी लड़ाई के अंदर थोड़ा सा पंगा कह लो लिया था अमेरिका ने हल्का सा जापान को टच किया, कह लो छेड़ने की बात की जंग के अंदर। जापानीज ने बेटा पता नहीं कितने सौ एयरक्राफ्ट के साथ न्यूयॉर्क के ऊपर हमला कर दिया और पूरे का पूरा न्यूयॉर्क तबाह करके रख दिया। कि एक अब बात करने की ये कि जापानीज को ये खुमार था कि अब इस जैसा छोटा सा मुल्क हमें पंगा लेगा हमारे साथ, जो कि जजीरा नुमा है बस। लेकिन बेटा उसी से करते कराते अगले दो से एक महीने के अंदर ऐसा चेंज दुनिया ने देखा कि अमेरिका ने ऐसी डिवाइस लॉन्च कर दी जो दुनिया के रोंगटे खड़े कर दिया है। उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर दो बम मारे, जिसको एटम न्यूक्लियर बम कहा जाता है। और आप देख लें, पहला मारा, उसके बाद उन्होंने फिर रेजिस्टेंस की, दूसरा मारा। तो जापानीज ने पूरी जिंदगी के लिए बेटा जी घुटने टेक दिए अमेरिकन के आगे कि ये लें जी आप ना मारिएगा कोई, हम आइंदा से कोई आर्मी नहीं बनाएंगे, आपकी पूरी जिंदगी की गुलामी हम अख्तियार करने के लिए तैयार हैं। तो जब बेटा उस वक्त जापान की चीजें पूरी दुनिया के अंदर सर्वाइव करती थी, बड़ी ज्यादा एक्सपोर्ट करता जापान, अभी बेशक बहुत सारी हैं वो क्वालिटी को बहुत ज्यादा अच्छी तरह से लेके चलते हैं। तो जब बेटा अचानक पूरी दुनिया तबाह हुई तो अमेरिका के पास सबसे बड़ा हथियार अमेरिका के पास था, तो उसकी तरफ किसी ने आंख ही नहीं की। तो जब सब तबाह हुए तो अमेरिका बच गया, क्योंकि उसने एटम बम को हासिल कर लिया था, अमेरिका इकोनॉमी तबाह नहीं हुई। अब पूरी दुनिया में एक नीड क्रिएट हो गई थी,
पूरी दुनिया को चाहिए थी बेटा इंडस्ट्रियल आइटम्स, रोजमर्रा की चीजें चाहिए थी, और इस दौर में अमेरिका को मिला बूम। अमेरिका की तरफ से इतनी ज्यादा डिमांड आनी शुरू होगी अमेरिका की कंपनीज को, अमेरिका की कंपनीज ने बेटा वर्किंग अपने हाई लेवल पे पीक पे करना शुरू कर दी। तो उस दौर में अमेरिका ने चीजों को अच्छे तरीके से बनाना भी शुरू किया, तो तब उन्होंने क्वालिटी का कॉन्सेप्ट मुतारफ करवाया कि चीजें अच्छी भी होनी चाहिए जिनका नाम क्वालिटी होना चाहिए। तब हुआ जी लिखा हुआ था क्वालिटी गुरुज कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर ग्रुप और गुरु सिंस 1940s। अब अर्ली 1940s वाले तो पायनियर्स हैं, पायनियर वो लोग हैं जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट और इस आइडिया को जन्म दिया, वो हैं प्रोफेसर वाल्टर शिवार्ट है, आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद है जी जब जंग लग गई वर्ल्ड वार टू ही, तो उसके बाद अमेरिका से कुछ लोग निकले, वो गए जापान, वो जापान गए, अमेरिकन ही थे वो, जापान गए, उन्होंने जाके जापानियों को एजुकेट किया, ट्रेन किया कि इस तरह से आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज तैयार करें, तो वो उनका नाम बना अर्ली 1950s वाले अमेरिकन हु टुक द मैसेज ऑफ द क्वालिटी टू जापान। वो अमेरिकन जो अमेरिका से जापान में क्वालिटी का आइडिया ले गए। लेट 1950 वाले कौन है जी, जैपनीज। अब इनसे, इन लोगों से सीखा जैपनीज ने, जैपनीज हु डेवलप न्यू कॉन्सेप्ट, जैपनीज ने अपना नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया इन रिस्पॉन्स टू द अमेरिकन। अमेरिकन से जो उन्होंने क्वालिटी के अबाउट सीखा उसके मुताबिक जैपनीज ने अपना एक कॉन्सेप्ट बिल्ड किया। अब जापानीज ने उसके बाद ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्ड किया कि आज तक पूरी वेस्टर्न यूनियन जितनी भी दुनिया है जापानीज को कंपीट ही नहीं कर पाई। और देखें जरा ये ट्रेंड चेंज हुआ है, ये जापानीज बाद में ट्रेंड सेटर्स बने हैं। नीचे देखें लेट 1950s 1970s और ऑनवर्ड आज तक वेस्टर्न गुरुज हु फॉलोड जापानीज इंडस्ट्रियल सक्सेस। सॉरी अमेरिकन ने सिखाया जापानीज को, जापानीज ने सीखे ऐसा बेटा उसके अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि बाद में अब अमेरिकन उससे सीखते हैं कि ये किस तरह से। और आज का दौर ले लो, अमेरिका ने बेटा एड़ियां रगड़ ली अपनी कि हम पूरी दुनिया में जापानीज को कम्पीट करें होंडा और टोयोटा गाड़ियों के अंदर। पूरी दुनिया में टोयोटा और होंडा को कोई कम्पीट ही नहीं कर पाया, अमेरिकन बेसिकली नहीं कर पाए। उन्होंने इस तरह की क्वालिटी को बेटा मेंटेन किया और ऐसी चीज बनाई जो कस्टमर स्पेसिफाइड हो, कस्टमर की बेटा एक्सपेक्टेशन के मुताबिक और कस्टमाइजेशन उसमें फुल हो। अमेरिका आज तक नहीं बेटा कम्पीट कर पाया, अमेरिकी गाड़ियां सिर्फ अमेरिका में बिकती हैं और जापानीज गाड़ी पूरी दुनिया में बिकती हैं। अब आज के बाद अगर मैं इसे यहां से नीचे ऐड करूं कुछ तो बेटा चाइनीज ऐड होंगे 1920s से लेकर बेटा 21st सेंचुरी से लेकर ऑनवर्ड 2020 तक। तो अब चाइनीज है, जितनी दुनिया ने तरक्की 4 सालों में की चाइनीज 5 सालों में इतनी कर रहे हैं और क्वालिटी को इस तरह से इंश्योर किया। अब देखो मैं जरा क्वालिटी की बात करते करते कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात ऐसी भी आएगी कि सर चाइनीज चीज तो बिल्कुल नकारा होती है, लेकिन बेटा चाइनीज ने इंसानी नीड के ऊपर वर्किंग की है। ये जरूरी नहीं कि चाइना ने एक लोकल क्वालिटी को मुतारफ कराया, उन्होंने जिस तरह का कस्टमर था, बेसिकली क्वालिटी की डेफिनेशन ये नहीं कि चीज बेहतर होनी चाहिए, क्वालिटी की डेफिनेशन ये है कि ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज क्वालिटीएबल होती है जिसमें ग्राहक की जरूरत को पूरा करने की बेटा पूरी फैसिलिटीज और करेक्टरिस्टिक्स मौजूद हो। अब चाइनीज ने क्या किया, चाइनीज ने रैंकिंग कर दिया मार्केट की, गरीब वखरा कर दिया, मिडिल स्टैंडर्ड वखरा कर दिया बेटा, और अमीर वखरा कर दिया, जिसको पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने बड़ा अच्छे तरीके से लॉन्च किया। पंजाब की एग्जाम्पल मैं बाद में दूंगा, लेकिन चाइनीज की देख लें, चाइनीज ने गरीब के साथ पॉकेट मनी पॉकेट के हिसाब से उसको प्रोडक्ट बना के दी, अमीर की पॉकेट के हिसाब से उसको प्रोडक्ट बना के दी, और मिडिल स्टैंडर्ड की प्रोडक्ट के हिसाब से उसको प्रोडक्ट बना के दी उसकी पॉकेट के हिसाब से। अब आप देखते नहीं हो इतना कंपटीशन होने के बाद भी वीवो हवावे और ओप्पो मार्केट में ऐसे लॉन्च हो गए हुए हैं बेटा कि दुनिया देखती रह गई है। नोकिया तो हाथ पे हाथ धरे रह गया कि मैंने तो बेटा अपना विंडोज के साथ एग्रीमेंट खत्म करने के बाद मैं दोबारा आना था मैंने एंड्रॉइड की तरफ, लेकिन उससे पहले ही चाइनीज एंटर हो गए हैं। तो अब अगली सारी चीजें चाइना की है। क्वालिटी गुरुज बेटा द पायनियर्स 1940 वाले थे वाल्टर एंड्रयू शिवार्ट, ये बंदा था जिनेट द आइडिया, इसने किया था फादर ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल है SQC इसको कहते हैं जी, ग्रैंड फादर ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। अब कंट्रोल बोलते हैं, मैनेजमेंट होता है किस चीज को मॉनिटर करना, कंट्रोल होता है खराबियां मॉनिटर करने के बाद जो खराबियां आती हैं उसके अंदर सख्ती से उसको चेक एंड बैलेंस रखना और परफॉर्मेंस अप्रेज करना और खराबियों के ऊपर उसको सजा देना बस थोड़ी देर। अब इसी ने बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ PDSA जनरेट भी किया, प्रैक्टिस डू स्टडी एंड एक्शन प्लान भी दिया, और ये टीचर था बेटा टीचर ऑफ डेमिंग, और डेमिंग कौन है ये आगे, इसने डेमिंग को सिखाया वाल्टर शिवार्ट ने। ये डेमिंग अमेरिका गया, अमेरिकन्स हु गोड द टू जापान अर्ली 1950s,
अर्ली 1950s में गए आफ्टर वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, तो डॉक्टर डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग था, उसने 14 पॉइंट क्वालिटी के लिखे बेटा, 7 डेडली साइन और डिजीजेस बताई कि कौन सी चीजें हैं जो क्वालिटी को होने से रोकती हैं और कौन सी चीजें हैं जो क्वालिटी को आगे बेटा इनकरेज करती हैं। वो बेटा क्या है वो आगे जाके हम पढ़ेंगे कभी। जोसेफ जुरान था जो कि प्रोफेसर डेमिंग के साथ आया था, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी उसने बताया जी कि पुअर क्वालिटी से आपके बिजनेस को क्या नुकसान होते हैं। और इसने पैरेटो प्रिंसिपल भी लॉन्च किया कि 2080 के, उसने कहा था 20% खराबियां पैदा करोगे तो मतलब 20% मैनेजमेंट अगर लैकिंग करे तो 80% प्रॉब्लम जन्म लेती हैं। इसका कहने का ये मतलब था कि 20% खराबी आप लैकिंग करेंगे ना तो 80% उसका खराबी आपको भुगतनी पड़ेगी। आर्मर्ड वो फैगन बम था जी, इसने डेवलप किया था टोटल क्वालिटी कंट्रोल। ये क्वालिटी कंट्रोल बेसिकली इसने जनरेट किया था एंड्रयू शुवार्ट ने, और इसके ऊपर फैगन बम ने बात की थी थोड़ी सी। नेक्स्ट जी, आगे जी, ये जापानीज हैं जिन्होंने अमेरिकन से सीखा और अपना एक आइडिया जनरेट कर दिया जी। वो था कोरो इशिकावा। ये इशिकावा बेटा बहुत इसने वर्किंग की है, इंस्पायर्ड बाय द अमेरिकन, इंस्पायर हुआ अमेरिकन से कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सर्कल डिप्लॉयमेंट। उन्होंने सिर्फ थ्योरियां पेश की जी बेटे। सर ये नाम रिपीट कीजिएगा बेटा, कोरो इशिकावा। इनके एक्सेंट बोलने का इनके और बड़े अंदाज है। बेसिकली इसका नाम हिस्ट्री में मौजूद है इशिकावा के नाम से, इशिकावा आप लिख सकते हो, कोरो इशिकावा। तो उनका एक्सेंट आपको होता है बोलने का बड़ा अलग सा होता है। अब इसने बाकी पीछे वाले सारे गुरुज ने बेटा सिर्फ और सिर्फ बातें की क्वालिटी ऐसे होनी चाहिए, क्वालिटी ऐसे। इस बंदे ने पूरे का पूरा डिप्लॉयमेंट प्लान दे दिया कि किस तरह इसको बिजनेस के अंदर लॉन्च भी करना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ नेक्स्ट प्रोसीजर इज कस्टमर, इसने ये भी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया जो कि आज की क्वालिटी की बेस है कि ग्राहक आपका प्रोसेस है कि ग्राहक के मुताबिक चीज तैयार करो। और तो उसके बाद है बेटा गिनची तागुची, जिनची भी बोलते हैं और गिनची तागुची बोलते हैं, जिनची तागुची इसका ज्यादा लफ्ज इस्तेमाल है, जिनची तागुची। अब चाइनीज नाम है बेटा तो आपको चाइनीज थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी इसके लिए। जिनची तागुची वो इस तरह से बोलते हैं, नी हाओ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंट्रोड्यूस क्वालिटी लॉस फंक्शन सफर्ड बाय सोसाइटी, इसने एक बड़ा ऐसा फंक्शन लॉन्च किया कि अगर आप क्वालिटी को सही तरह से मुहैया नहीं ना करते, लेके नहीं चलते, तो इसका इफेक्ट पूरी सोसाइटी पे होगा। बेटा सोसाइटी पे इफेक्ट कैसे हो सकता है, एक कंपनी क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर रही, वो कंपनी होगी बंद। कंपनी बंद होने से बेटा उसके इर्द गिर्द जितने एम्प्लॉयज उसके अंदर वर्किंग करते हैं, उसके इर्द गिर्द रहने वाले हैं, उनको जॉब उनकी खत्म हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। और फिर वो जो कंपनी है बेटा, वो इसे बोलते हैं CSR, कस्टमर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी कॉर्पोरेट को भी कुछ सोसाइटी को कुछ ना कुछ दे रही होती है, उसको भी खराबी भुगतनी पड़ती है फिर पूरी सोसाइटी को। उसके बाद जी वो लोग जो इन बंदों से, ये सिर्फ दो लोग नहीं है, ये 6-7 हैं, लेकिन दो लोगों का नाम इतना फेमस हो गया इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। बड़ा लंबा हमारा टॉपिक हो जाना था बेटा, हिस्ट्री के अंदर ही अभी हम फंसे हुए हैं कहाँ से है ये इशिकावा और तागुची मैंने बात की। बाद में कुछ लोग थे अमेरिकन, जब ये इतना हाइप क्रिएट कर गए जापानीज के, इनकी प्रोडक्ट का कोई सानी ही नहीं, आज तक नहीं बेटा बनाया पाया अमेरिकन, तो इनकी इंडस्ट्रियल सक्सेस से बेटा मुतासर हुए दोबारा अमेरिकन। वेस्टर्न गुरुज हु फॉलोड इंडस्ट्रियल सक्सेस 1970s टू ऑनवर्ड, वो उनसे जापानीज की बेटा इंडस्ट्रियल सक्सेस से बेटा ये इंस्पायर हो गए। बाद में इन्होंने अपने आइडियाज जो दिया आजकल के तुम्हें, फिलिप क्रॉस बाय, इसने कहा क्वालिटी इज फ्री। वाह ये बड़ी प्यारी इसने बात की बेटा, बात तो यही है ना कि जो बात पहले किसी ने की आप कर दो, एग्जिस्ट करती है हमेशा हर चीज, लेकिन उसको प्रॉपर व्हाइट एंड ब्लैक पेपर में लेके आना आपकी जिम्मेदारी होती है। इसने कहा क्वालिटी फ्री, जैसे मैं आपको कहता हूँ जी आपके क्लास में किसकी पोजिशन है, तो आप फर्ज करें जी, फर्ज करें मुझे आपका नाम आता बेटा जी हमारे CR है जी सिद्रा चौहान, कहते जी सिद्रा की फर्स्ट पोजिशन है। क्या सिद्रा ने ये फर्स्ट पोजिशन परचेज की हुई है कहीं से? यहाँ सिद्रा ने फर्स्ट पोजिशन के लिए आपकी कॉलेज मैनेजमेंट के साथ कोई डील की हुई है? नहीं बेटा, फर्स्ट पोजिशन इज फ्री, जो मेहनत करेगा वो हासिल कर लेगा। इस तरह क्वालिटी भी फ्री है, जो हासिल करना चाहेगा वो बिजनेस को अपने ऊपर लेके जा सकता है। जीरो डिफेक्ट, बड़ी अच्छी बात है कि कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए बेटा। उसके बाद विल्फ्रेडो पेरेटो, इसने भी 2080 का वेल्थ रूल लॉन्च किया। आजकल दुनिया में अक्सर एक जगह पे आपको डायलॉग मिलता है बोलने को, पूरी दुनिया की 80% जो दौलत है वो 20% लोगों के पास है, और ये विल्फ्रेडो पेरेटो ने बात की थी कि क्वालिटी वाले लोग हैं जिन्होंने ये पूरी दुनिया की दौलत अपने हाथों में थमा के रखी हुई है। ये थी जी गुरुज। अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है? अभी थोड़ी सी बेटा थक तो नहीं गए?
मैंने काफी सारा क्वालिटी का पूरे का पूरा टॉपिक उठा के लिया है और ये सर थक गए हैं हम लोग। दो चैप्टर हैं, पूरे दो चैप्टर हैं, सुनने में थक गया, मेरा मुंह थकना चाहिए पुत्र, मुझे पानी पिलाओ आप में से कोई। सर लेक्चर भी खत्म हो गया है। नहीं लेक्चर खत्म नहीं होता सर, लेक्चर के टाइम पे बेटा मेरा प्रीमियम अकाउंट है, मेरा लेक्चर नहीं खत्म होता, आप सुनेंगे वरना ये अगले वाला पोर्शन आप फिर आपके लिए मिल जाएगा वो एज एन असाइनमेंट के टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हो गया। बेटा क्वालिटी तो हमने पढ़ लिया, अब क्वालिटी को मैनेज कैसे करना है बिजनेस के अंदर, उससे बोलते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल बोलते हैं मेड अप टू द होल, फिर कंप्लीट काम करना है आपने, टोटल होता है कंप्लीट है। क्वालिटी होता है डिग्री ऑफ एक्सीलेंस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड, किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर क्या खूबियां हैं जो आप प्रोवाइड करना चाह रहे हो। मैनेजमेंट क्या होता है, एक्ट आर्ट मैनर हैंडलिंग कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग एक्सेट्रा। अब मैं इसका ओवरव्यू ओवरऑल देता हूं, आपने इसको पढ़ लेना जी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द गोल्डन रूल इज सिंपल है जी बट इफेक्टिव टू एक्सप्लेन। ये नीचे लिखा डू ऑन टू अदर्स एज यू वुड हैव देम टू ऑन टू यू, इसका मतलब है यदि शरीफ भी है कि आप दूसरों के लिए वो पसंद करो जो आप अपने लिए पसंद करना बेहतर समझते हो। माशाल्लाह से हमारे नबी पाक ने फरमाया, तो क्वालिटी के अंदर भी यही बात हुई हुई है कि ट्रेडिशनल वे में लोग कारोबार दूसरे तरीकों से कर लेते थे, लेकिन आजकल आप जब आपने कोई चीज तैयार करनी है तो पहले अपने आप को वहां पर रख के सोचोगे जो चीज तैयार कर रहे हो क्या मेरे इस्तेमाल के काबिल है कि नहीं है। जब आपके काबिल नहीं है तो फिर बाहर कस्टमर के काबिल भी नहीं होगी। पहले खुद अपने आप को कस्टमर बना के जज करो, फीडबैक खुद को खुद दो। तो जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, सुनिएगा कि एक वाटर प्योरिफिकेशन कंपनी है, अगर उसके एमडी साहब घर में उसकी अपनी कंपनी का पानी इस्तेमाल ही ना हो रहा तो रहने दो, उस कंपनी की प्रोडक्ट परचेज ही ना करो, क्योंकि अगर उसकी इतनी प्योरीफाइड वाटर फॉर्म होती तो वो अपनी कंपनी का पानी खुद इस्तेमाल करता, बाहर से क्यों परचेज करता। अब आगे जी इसकी डेफिनेशन है जी, क्या है जी, जुरान इंस्टीट्यूट, जोसेफ जुरान हमने पीछे पढ़ा, उसका एक इंस्टीट्यूट था, प्रोफेसर थे वो, उन्होंने क्या लिखा जी, सेट ऑफ मैनेजमेंट प्राइसिस प्रोसेसेस है बेटा, ये मैंने प्राइस लिख दिया आई आ गया यहाँ पे, एंड सिस्टम बेटा अभी है तीन चार और, तो बेटा सेट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेसेस, ये मैनेजमेंट के एक प्रोसेसेस का हिस्सा है, सेट है मजमुआ है, एंड सिस्टम दैट क्रिएट डिलाइटेड थ्रू एम्पावर्ड एम्प्लॉयज। अब कहता है कि ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो आपने, अब देखो हमने क्वालिटी तो पढ़ ली बेटा, होती क्या है, अब पूरे बिजनेस के अंदर जो एक पूरा शोभा है क्वालिटी को मेंटेन करने का, उसको बोलते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। और वो होती क्या है, कह रहा ये मैनेजमेंट के प्रोसेस और सिस्टम का वो हिस्सा है जिसमें हम अपने इंप्लॉयज को एम्पावर करते हैं। एम्पावर का मतलब है उनको हम पूरा हक देते हैं, डिसीजन मेकिंग का हक, कि आपने चीज को बेहतर बनाना है इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े करें, लीडिंग अ हायर रेवेन्यू एंड लोअर कॉस्ट, कि जो आपको ज्यादा पैसा कमा देता है और आपकी कॉस्ट कम आती है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज नॉट अ डेस्टिनेशन, ये एक डेस्टिनेशन नहीं है बट अ जर्नी टू इम्प्रूव इम्प्रूवमेंट, आप कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट हासिल करने का एक सफर है बेटा, और ये कोई आपका डेस्टिनेशन बोलते हैं, मंजिल मंजिल नहीं है। और मैंने आपको पहले ही बताया, शायद आप सुन लें, सेटिस्फेक्शन इज द डेथ ऑफ स्ट्रगल। जब आप सेटिस्फाई हो जाते हो बेटा तो आपकी स्ट्रगल करना आप बंद हो जाते हो, तो स्ट्रगल करते रहना चाहिए, सेटिस्फाई कभी होना ही नहीं है आपने, ठीक है। तो डेस्टिनेशन जब भी आने लगे छोड़ दो उसने, को आगे बढ़ो। और जैसे एक मूवी का हवाला रहता है यहाँ पे, केजीएफ मूवी, उसकी पूरी लाइफ की एक बेटा ड्रीम होता है, डेस्टिनेशन होती है कि मैंने मुंबई के ऊपर राज करना था, लेकिन जब बेटा उसको पता चलता है सोना आता है किसी माइंड से, तो फिर वो कहता है जी मुंबई उसको छोटी लगना शुरू होती है। तो इस तरह से आपने भी करना है, अपने गोल सेट करें, जो गोल आप अचीव करने वाले हों वो आपको छोटा लगना शुरू हो जाएगा, आगे बढ़ो। देन अब इसका फ्रेमवर्क क्या है जी, पूरा स्ट्रक्चर किस पे बेस करता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अगर आपने अपने बिजनेस के अंदर लॉन्च करनी है क्वालिटी, लेके आनी है अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस के अंदर क्वालिटी, तो उसके लिए जो आपको मैनेजमेंट प्रोसेस डील करना पड़ेगा उसका फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्टेप बाय स्टेप है जी। स्टेप वन है जी गुरुज। अब ये गुरुज हैं जी हमारे फ्रेमवर्क में, जिन्होंने इनको इन्वेंट किया है। आगे लिखा हुआ जी गुरुज के नाम है शिवा डेमिंग जुरान फेगमन फेगम्बम इशकावा क्रॉस बाय और टबूची, ये आई डाल लीजिए आगे। स्टेप टू क्या है जी, टूल्स एंड टेक्निक। यही जो लोग थे ना गुरुज, ये इनकी मैं नीचे छोटी छोटी इन्वेंशन पढ़ भी रहा था साथ साथ, उन्होंने हमें बेटा जी टूल्स एंड टेक्निक इंट्रोड्यूस भी करके दिए, और ये नीचे सारे लिखे हुए आपने पढ़ लेने हैं वाले, ठीक है। देन स्टेप थ्री क्या था, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस। अब इन्होंने सिर्फ वो टूल्स एंड टेक्निक होती है थियरीज,
ये थ्योरीज जो हमने पढ़नी होती हैं बाद में उनको एक्शन में लेके आना प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस होते हैं. ऑल्सो इंट्रोड्यूस बाय गुरुज, उन्होंने ये भी इंट्रोड्यूस किया था. और मैंने आपको बताया था डिप्लॉयमेंट का अमल ईशा कावा ने स्टार्ट करवाया था. ये थ्योरी थी सारी, ये माइंड की अप्रोच थी, एक मेंटल अप्रोच थी कि ये क्वालिटी होनी चाहिए. अमेरिकन भी सोचते रहे, इनको सही रंग में सही मानों में जापानीज ने अप्लाई करके दिखाया अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, जिसको ईशा कावा ने 14 पॉइंट्स के अंदर ब्रीफ भी किया और वो फिर लोगों ने अप्लाई किए हैं. आप देखने कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सप्लायर पार्टनरशिप सारा लिखा हुआ है. आगे स्टेप फोर है प्रोडक्ट एंड सर्विस रियलाइजेशन. के प्रोडक्ट एंड सर्विस के ऊपर रियलाइजेशन का मतलब है हकीकत, हकीकी मानों में उसको जज करो कि जो वाकई की कमी आपकी चीज में खराबी है तो मानो, नहीं है तो अगर है तो उसको रिमूव करो, फीडबैक के जरिए रिमूव करो. और पांचवा हमारा स्टेप है जी कस्टमर. ये भी बेटा जी ये उसने बात की थी हमारे ईशा कावा ने कि कस्टमर हमारा प्रोसेस होना चाहिए. लेकिन पूरा फ्रेमवर्क ईशा कावा वो वाहक बंदा था बेटा, कौरू ईशा कावा, जिसने जापानीज को इतना हाई पे ले गया क्योंकि उसकी स्टडीज सिर्फ ये नहीं थी, उसकी स्टडीज अच्छी थी, उसकी स्टडी के ऊपर दुनिया ने अमल भी किया. जब उनकी तालीमात के ऊपर लोगों ने अमल किया, ये दुनियावी तालीमात थी अपने लीडर बना के, तो देखो कहां हम पहुंच गए. तो हमें भी अपने लीडरान की कमी थी, बेशक लीडर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम करते ही नहीं उनकी बातों पर अमल. तो कस्टमर हमारी पॉलिसी है, ये भी ईशा कावा नहीं बाला था. अब बेटा देखो पूरी दुनिया पढ़ती है फ्रेमवर्क, और फ्रेमवर्क के अंदर 90% चीजें ईशा कावा की है. नो डाउट प्रोफेसर शिवार ने इस कॉन्सेप्ट को जनरेट किया है. बात तो जनरेशन की नहीं है, बात तो इसकी है कि किसने कितना कंट्रीब्यूट किया. आगे डायमेंशन है जी. अब डायमेंशन क्या होती है, किस तरीके से आप लॉन्च कर सकते हो, किन किन एंगल से परफॉर्मेंस को बेहतर करेंगे, फीचर्स को बेहतर करें चीज को, कन्फर्मेंस स्टैंडर्ड्स. कन्फर्मेंस बोलते हैं कि मीटिंग स्पेसिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एंड वर्कमैनशिप. बंदे ऐसे रखो जो स्टैंडर्ड्स के ऊपर वर्किंग करते हैं सारे. रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी बोलते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस. आपकी जो परफॉर्मेंस दे रहे हो आपको, आप तब तक क्वालिटी को अचीव ही नहीं कर सकते बेटा जब तक आप रिलायबिलिटी पे नहीं जाओगे, कंसिस्टेंट नहीं होंगे काम के. जिसके अंदर मैंने अभी बोला आपको पीछे कि सेटिस्फेक्शन इज द डेथ ऑफ स्ट्रगल. जब आप सेटिस्फाई हो जाओगे फिर आपके अंदर कंसिस्टेंसी खत्म हो जाएगी, और कंसिस्टेंसी बेटा खत्म नहीं होने देनी है आपने, ठीक है जी. और ड्यूरेबिलिटी, चीज आपकी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, उसकी लाइफ अच्छी हो और उसको रिपेयर भी करके देना चाहिए आपको. सर्विस, सर्विस ये होती है कि बेटा आप प्रॉब्लम्स को सुनो, लोगों की कंप्लेन को सुनो और उनको देखो. प्रोडक्ट तो फ्राहम हमने कर दी, अब प्रोडक्ट फ्राहम करने के बाद हमने अपने कस्टमर के साथ इन टच भी रहना है. आप देखते हो अक्सर आप किसी ब्रांड से शॉपिंग करते हो, आपसे आपका नंबर ले लेते हैं, आपको सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करते हैं, आपको मैसेज आ जाता है जी हमने इस दिन इतने परसेंट सेल लगानी, इस दिन इतने परसेंट सेल लगानी. जब आप मैसेज के जरिए कोई अपना फीडबैक देना चाहो तो उसको आपको हेल्दी किस्म का आगे से जवाब में मिलता है, सेटिस्फैक्ट्री आंसर होता है. अगर रिस्पॉन्स, अब रिस्पॉन्स मार्केटिंग होती है रिस्पॉन्स, कि जब आप इन डायमेंशन को डील कर रहे होंगे तो ये रिस्पॉन्स जो होगा ना बेटा आपका ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरफेरेंस हो जाए, सच एज कर्टसी ऑफ द लीडर, डीलर, लीडर हो सकता है, डीलर हो सकता है, कि आप जब बेटा जी अच्छी वर्किंग करोगे तो ह्यूमन टू ह्यूमन मार्केटिंग होगी. लोगों को बताएंगे ये अच्छा काम कर रहे हैं, और अगर कोई बुरा कर रहे हो तो फिर भी लोगों को बताएंगे. लेकिन आपके अंदर इस बात को सुनने की इंसाफ पसंदीदगी और हौसला भी होना चाहिए. एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स बोलते हैं खूबसूरती, आपकी चीज के अंदर बहुत ज्यादा खूबसूरती भी होनी चाहिए. अब आईफोन बेटा क्वालिटी को भी ध्यान में रखता है, कस्टमर स्पेसिफिकेशन को भी ध्यान में रखता है, और खूबसूरती तो आप होता है आईफोन से कोई बना ही नहीं सकता. आईफोन की बनाई हुई चीजों को दुनिया फॉलो करती है. नॉर्थ सिस्टम आईफोन ने लॉन्च किया, सब देखना उसकी तरफ आ गए. आईफोन ने एक सेपरेट साइड पे कैमराज को शुरू किया, सब दुनिया साइड पे कैमराज पे आ गए, ठीक है. तो आईफोन पहले बेटा खूबसूरती के ऊपर भी काम करता है, बाकी चीजों पर भी काम करता है. देखो एक्सटीरियर फिनिशिंग का जिक्र हुआ. रेपुटेशन, रेपुटेशन बेटा बहुत जरूरी होती है, और रेपुटेशन इन सारी ऊपर वाली डायमेंशन को पूरा करोगे तो फिर ही फॉलो होती है. पास्ट परफॉर्मेंस, जो आप पास्ट वर्किंग कर रहे हो, एंड अदर इंटेंजिबल सच एज बीइंग रैंक्ड फर्स्ट. तो आप अपनी रेपुटेशन को मेंटेन रखने के लिए दूसरी इंटेंजिबल चीजें, अपनी रेपुटेशन, मार्केटिंग, और लोगों के अंदर किस तरह से आपके रवैया है. बहुत सारे लोग बेटा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी डील करते हैं, वो भी क्वालिटी का हिस्सा ही होती है, कि आप अपने इर्द गिर्द की आवाम का भी ख्याल रखते हो और रैंक फर्स्ट रहने की भी आप हमेशा जरूरत महसूस करते हो. और बीइंग रैंक फर्स्ट हर बंदे की एक ख्वाहिश होती है कि मैं भाई टॉप रैंकिंग में रहूं. बोले जी आज का ये लेक्चर था बेटा, किसी को कुछ पूछना है तो जरूर पूछें. और इसी तरह बेटा आपने मुझे लगता है अटेंडेंस ले ली होगी, बेशक पूछें जी कुछ पूछना है. तो ये हमारा लेक्चर चल रहा है, 10 मिनट ऊपर चला है, मैंने काफ़ी हद तक इसको शॉर्ट किया बेटा. बेसिकली जब चीज़ की हिस्ट्री पता हो ना बच्चे को तो फिर उनको सारी चीज़ें पता. मैं हिस्ट्री के ऊपर थोड़ा एम्फोसिस जरूर किया आपको हिस्ट्री सुना के.
तो चीजें कहां से निकलती हैं, क्यों हमारे सामने आती हैं कि एक बंदा, देखो एक अचानक जंग लगने के बाद एक चीज दुनिया में महसूस की गई और उसको इस तरह से लॉन्च कर दिया गया कि आज हमें किताबें पढ़नी पड़ती हैं बीबीए की डिग्री लेने के लिए उस चीज के वाले से, ठीक है। तो जी कोई क्वेश्चन पूछें, शाबाश, इज देयर एनी क्वेश्चन? नो सर, कम पढ़ाया करें। कम पढ़ाया करूं? ये तो फीडबैक हो गया ना, क्वेश्चन थोड़ी हो। सर आपने हमारा लेक्चर से भी ज्यादा ये टाइम ले लिया। बेटा जी बात ही होती है कि सीखने की, अगर तो सीखने में समझ में आ रही है तो फिर तो मसला नहीं टाइम का, घड़ी को उतार के बैठा करें आप, ठीक है, घड़ी तरफ ध्यान ना दिया करें, ये पर्सनालिटी ट्रेट्स को मेजर करते हैं। इंसान ने करना होता ना, स्टूडेंट्स ने नहीं करना होता, स्टूडेंट्स की डेफिनेशन ही होती है पढ़ने वाले, ठीक है। तो देखिए मैं आपसे जल्दी, मुझे है, मैं एक ऐसी मीटिंग में बैठा हूँ अपने घर से 200 मील दूर, मैं वहां पे हर चीज देख बैठा, मैं निकलना है, मेरे टीचर साथ हैं, मुझे तब से कह रहे हैं सुमान साहब शॉर्ट करें अपना लेक्चर को शॉर्ट करें, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब है अल्लाह हाफिज, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम, थैंक यू सो मच। सर सीआर फ्रेंडली बॉयज के ग्रुप में स्लाइड सेंड कर दीजिएगा। जी बेटा जी, मैंने पहले कर दी है मेरे ख्याल से। जी सर, थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।